हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.2। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं झटपट ज्ञान से एक अनदर वीडियो। असली मजे तो यहाँ पर हैं, पापा की परी फनी वीडियो, फनी वीडियोस कंपाइलेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक आउट द चैनल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ले भैया ओम ठो। तो क्या हाल है भाई लोगों, बतख की आदत आदत होती है वो हर जगह। हाँ, जानता हूँ, सबको हाउ चाहिए, फिर चाहे इंसान हो या जानवर, बस एक ही बात कहते फिर रहे हैं, नहीं चाहिए हो कुछ हो हमरा हो चाहिए, नहीं चाहिए हो कुछ हो हमरा हो चाहिए। तो भाई लोगों, आज की वीडियो में आपको हाउ मिले या ना मिले, पर मजा जरूर मिलेगा, क्योंकि आज की वीडियो में आंटी सिर्फ गुल्लक लुड़काऊ डांस नहीं करेंगे, बल्कि तोप के गोले भी दागेंगे। तो भाई लोगों, इससे पहले कि आंटियों के तोप के गोले आपके रोकेट लॉन्चर को ध्वस्त कर दे, अगर आपने अभी तक झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल को फॉलो नहीं किया तो कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो फटाफट फॉलो कर ले यार, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं कुछ रील्स वहां पे भी डालता हूँ। तो भाई लोगों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक गाने से। मुर्गा क्या ओए उसका लुढ़क गया। बताओ, देख रहे हो मुर्गे को, आगे से आवाज निकालने के चक्कर में पीछे से पाद तक निकल गया। और भाई, आजकल ना इन जानवरों की ही मौज है, कोई गाना गा रहा है तो कोई खाना ढूंढ रहा है, अब इसी को ही देख लो। खाना ढूंढ रहा है या दूसरों की इज्जत पे मुंह मार रहा है, बताओ। बेचारा कुत्ता भी दिखा दिया, कुत्ता भी यही सोच रहा होगा, साले ये उड़ता तीर आया कहां से। नहीं मतलब सही में यार, कुत्तों की भी इज्जत सेफ नहीं है, कोई आगे मुंह मार रहा है तो कोई पीछे तीर। अब यार देखो, आपने एक से एक जोशीली आंटी का डांस देखा होगा, पर ऐसे गोले दागने वाली आंटी नहीं देखी होगी। क्या बात है आंटी, बताओ डांस देख रहे हो आंटी का, कैसे आर पार का डांस कर रही है। और नहीं भाई, मैं सही बता रहा हूँ, जिस हिसाब से आंटी गोले दाग रही है ना, उस हिसाब से चार पांच सुअर तो आंटी लहंगे के नीचे दबोच के मार देगी। अरे जोशीली आंटी, तुम डांस करने आई हो या तोप चलाने, मतलब ये कौन सा डांस है। और वैसे भी भाई, पापा की परिया कुछ भी कर सकती है। सही पकड़े हैं। कुर्सी तोड़ दी, हाय क्या हुआ मैडम, पलट गया भगवान, पिचक गया पतिला। केवल लड़के देख रहे हो इस पापा की, मगर नहीं होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते तो हुए, पर आशिकी ना टूटे। हाँ, वो तो अच्छा, वो तो लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, तो गुल्लक फूट जाता, फिर करते रहते मेले बाबू ने थाना थाया त्या। और भाई, इनकी ड्राइविंग स्किल तो आपको पता ही है, जहाँ ब्रेक नहीं मारना होगा वहाँ मारेगी, और जहाँ ये लड़का कहाँ बैठा है पहले ये बताओ। पागल है, पूरी पागल है। बताओ, देख रहे हो इस पापा की परी को, अरे स्पीड ब्रेकर पर भी धीमा नहीं किया, ना रोक सकी, वहां ये ब्रेकर क्या रोकेगी। और रही बात इंडिकेटर की, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो जली हो या बुझी, लेफ्ट दिया हो या राइट दिया है, ये हमेशा जला के चलती है, क्योंकि ये रास्ता ना अपने हिसाब से बनाती हाँ है, और जहां चाहे वहां अपनी मर्जी से मुड़ती है। इंडिकेटर रॉन्ग साइड का जला रखा है। कौन है? वाह, बताओ देख रहे हो, मैडम ने कैसे चलती हाईवे से स्कूटी मिनट से पहले निकाल दिया, वो भी बिना इंडिकेटर दिए, यही तो टैलेंट होता है पापा की परियों का।
अब ऐसा नहीं कि सारी पापा की परियां एक जैसी होती हैं, कुछ पापा की परियां सुअर भी दबोचती हैं। इंडिया में क्या चल रहा है यार? मैं तो देखिए ढगराएं से काट रही हो हमको, खत्म। बताओ, देख रहे हो मैडम को, ये स्कूटी सीख रही है या स्कूटी इसको सीख रही है? नहीं मतलब साला ऐसे स्कूटी कौन चलाता है यार? सीखने वाले सब ऐसे ही चलाते हैं। खेतों में तेल चटाई और लोटा लेके नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है पापा की परिया खेतों में स्कूटी चलाती है। बताओ, और भाई लोगों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कुछ सुअर धर्राटे काट रहे थे, लेकिन असली धर्राटे तो ये सुअरिया काट रही है। बताओ, देख रहे हो मैडम की हरकत? अरे मैडम, वो तो सुअर है, टट्टी खा के मट्टी बना देती है, लेकिन तुम क्यों? खैर भाई लोगों, अब क्या ही कहें इन पापा की परियों को, क्योंकि उनका खुद का मानना है कि इनके पास दिमाग नहीं होता। हम लड़कियां ना हर काम दिल से करते हैं। हाँ, क्योंकि दिमाग तुम्हारे पास होता ही नहीं है। अरे मैडम, सच बोलना अच्छी बात है, पर इतना भी सच मत बोलो कि खुद की मट्टी पलीत हो जाए। और वैसे भी हमें पता है पापा की परियों का आईक्यू लेवल कितना होता है, तो भाई लोगों, जाते जाते गुल्लक लुड़काऊ डांस देख ही लेते हैं। देखिए ढगराएं से काट रही हो हमको। वाह आंटी, क्या बात है, काफी फुर्तीली है वैसे। इस एज में खाली बस गेट पर खड़े होकर चुगलियां कर रही होती हैं। बताओ, देख रहे हो गुल्लक लुड़काऊ डांस? मतलब साला पीली जलेबी छान डांस देखा, सुअर दबोच डांस देखा, अब गुल्लक लुड़काऊ डांस, अब और क्या क्या देखना है भाई? और नहीं आंटी, तुम डांस कर रही हो या गुल्लक लुड़का रही हो? नहीं मतलब गुल्लक का पैंदा टूट गया है क्या जो तुम गुल्लक लुड़का रही हो? तो बस भाई लोगों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक झटपट ज्ञान के इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाओ यार फटाफट फॉलो करो झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल को। और अगर आपके पास भी कुछ फनी वीडियोस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। ओके, यहाँ पे ये वीडियो खत्म भाई। पहली बात तो ये आंडी की बात करूँ, मतलब सच में इस एज में काफ़ी सारी जब बीमारियाँ जकड़ लेती हैं, है ना, औरतों को, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो वो अपने परिवार के लिए काम करती रहती हैं, तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता उनके लिए, है ना। सो यही होता है कि इतना जब वो करेंगी, लेकिन यहाँ पर यार ये आंटी काफ़ी ज़्यादा फुर्तीली थी, मतलब मुझे लगता है कि हाँ, जो दूसरों की चुगलियां कर करके ना कुछ ज़्यादा ही एनर्जी अपने अंदर भर ली है आंटी ने, ना उसकी सास ने तो ये कर दिया, उसका पति तो उसकी सुनता ही नहीं है। तो मतलब ये सब करके और ज़्यादा ही एनर्जी इन्होंने कंज्यूम कर ली, इसीलिए आंटी गोल गोल पूरा राउंड एंड राउंड मेरी गो राउंड खेल रही हैं यहाँ पर। यार एक तो वो भाई जो पिग्गी के साथ उससे कॉम्पिटिशन कर रही थी, मैडम क्या कर रही हो, मतलब वाकई लड़की ने खुद बोल दिया कि हाँ दिमाग तो लड़कियों के पास होता ही नहीं है। अच्छा, सच में दिमाग लड़कियों के पास होता ही नहीं है, तो ये कहाँ से आई फिर रानी लक्ष्मीबाई, मैरी क्यूरी, इंदिरा गांधी, है ना, ये तो पता नहीं कौन है, एलियन है तुम्हारी जैसी लड़कियाँ ना, मतलब इनके जैसी लड़कियाँ ही ना, ये स्वैगस्टर बनने के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में अपना पोपट मत्ती पलीत करा देती हैं कि हाँ कुछ ऐसा बोल देंगी जिससे बाद में रिग्रेट हो कि हाँ भैया मैंने ये क्या बोल दिया। सो यार गजब की वीडियो थी, एंड आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।